वर्टिकल प्लेट का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक और न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत सिंपल है। ए नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एट 20 m/s परपेंडिकुलर टू अ प्लेट दैट मूव्स अवे फ्रॉम दी जेट एट 5 m/s। परपेंडिकुलर टू अ प्लेट बोल रहा है मतलब ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेट का क्वेश्चन हो गया। जब वाटर जेट परपेंडिकुलरली प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो कौन सा केस रहता है, ये वर्टिकल मूविंग प्लेट का केस रहता है। इसको इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ये वर्ड को परपेंडिकुलर टू द वेट जेट कैसे स्ट्राइक करा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेट। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो वाटर जेट है प्लेट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इस पर स्ट्राइक करें मूविंग प्लेट पे। तो क्या क्या निकालना है, फोर्स ऑन दी प्लेट, वर्क डन एंड इफिशेंसी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। सबसे पहले तो डायमीटर दिया हुआ है जेट का, ये दिया हुआ है 50 mm, मतलब 0.05 m, ये इसका क्या हो गया डायमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 × 0.05 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, आएगा 0.001935 m² और क्या दिया हुआ है, ये वी का वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट का कितना है, वी इक्वल टू दिया है 20 m/s और दिया हुआ है इस मूविंग प्लेट का वेलोसिटी दिया हुआ है यू, यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 m/s। तो क्या क्या निकालना है, फोर्स ऑन दी प्लेट, वर्क डन, इफिशेंसी। तो फोर्स यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे लगेगा। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, ये होगा फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट, एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1000, एरिया का वैल्यू है 0.001935, वेलोसिटी है कैपिटल वी 20 है, स्मॉल यू है 5 इसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 441.78 N। सेकेंड हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय दी जेट ऑन दी प्लेट। तो ये हो जाएगा वर्क डन, ये होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इनटू वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट। तो ये हो जाएगा 441.78 × वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2208.9 N·m/s। यही हमारा क्या रहता है, आउटपुट एनर्जी रहता है जेट का। और क्या निकालना है हमको, इफिशेंसी निकालना है। तो इफिशेंसी क्या होता है, आउटपुट एनर्जी ऑफ द जेट अपॉन इनपुट एनर्जी ऑफ द जेट। तो आउटपुट कितना है हमारे पास 2208.9, इनपुट क्या होगा 1/2 mv². तो इसको सिंपली और क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हाफ, मास को लिखेंगे हम लोग रो इंटू ए इंटू वी, ये हो गया हमारा मास। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा रो ए वी क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉन, ये हो गया हाफ, रो का वैल्यू हो जाएगा 1000, एरिया हमने निकाला था 0.001963, वेलोसिटी हमको पता है 20³। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2208.9/6540 = 0.3377, मतलब 33.77% इफिशियंसी आएगा हमारा वाटर जेट का। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।